ताली ताली बजिए। हरी बोल हरी बोल, हरी बोल हरी बोल, हरी 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 बोल, हरी बोल हरी बोल, हरी 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 बोल। निताई 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 गौरांग, निताई 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 गौरांग, निताई गौरांग। बाहु तुले बोलो भाई निताई गौरांग, बाहु तुले तुले बोलो भाई निताई गौरांग, निताई 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 गौरांग। हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि 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 बोल। वृंदावन में राधे, वृंदावन में सेवा कुंज में, दान गली में मान गली में, कुंज गली में बरसानी में, काकी कोहर पे बोले राधे राधे। प्रेम से बोला, ताली बजा के, हाथ उठा के, नाच नाच के, गाय गाय के, राधे 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 राधे। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत में जिस मंदिर में हम लोग उपस्थित हुए हैं, ये मंदिर श्री भगवान श्री गोविंद देव और श्री वृंदादेवी, वहाँ पर बनवाहरा जी इसके बाद बता रहे थे, जिस समय औरंगजेब ने आक्रमण की उसी समय राजा मान सिंह ने सारे ठाकुर जी को यहाँ से ले जा रहे थे। जब बैलगाड़ी पर ले जा रहे थे, यहीं पर कुछ दिन तक रुके थे ठाकुर जी, गोविंदा गोपीनाथ मदन मोहन और ये वृंदा देवी यहीं पर कुछ दिन तक रुके थे। लेकिन जब उन्होंने यहीं से ले जाने के लिए कोशिश की, लेकिन ये वृंदा देवी बोली, देखो वृंदावन की अधिष्ठात्री देवता से वृंदा देवी, जैसे कृष्ण कहते हैं ना, वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छामि। कृष्ण जैसे वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी कहीं वृंदावन से बाहर नहीं जाते हैं, उसी तरह जो असली जो वृंदा देवी, उनने सपना दृष्ट की, मैं ये वृंदावन छोड़ करके मैं जाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए उनको यहीं पर वृंदा देवी को रख दी गई और यहीं पर रख दी। और गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी को भी यहीं पर कुछ दिन रख दिया गया, इसलिए यहाँ पर भी गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की मंदिर ही है। जब हम लोग यहाँ पहले आते थे उसी समय में ये सारे मंदिर में हम जाया करते थे, क्योंकि गुरु जी का समय में थोड़ा कम लोग, पहले पहले थोड़ा कम लोग भक्त लोग होते थे, इसलिए हर मंदिर में जाना आसानी हो जाती थी। लेकिन अभी भक्त संख्या बढ़ने पर एक दिन में बहुत सारे मंदिर जाना, अब विशेष करेंगे इस बार विशेष जगह पर हम जाएंगे, जो परिक्रमा मुझे लगता है कभी गई नहीं, ये तो बद्रीनाथ जाएंगे ही और श्री केदारनाथ भी हम। हरि बोल श्री केदारनाथ की जय। इसलिए केदारनाथ भी हम लोग जाएंगे, क्योंकि सारे आदि बद्री आदि केदार और सब कुछ ये वृंदावन धाम में ये सबके सब विद्यमान है। इसलिए जो वृंदा देवी है, ये वृंदा देवी कहते भगवान की विशेष करके लीला पुष्टि करने वाले दो है, एक वृंदा देवी और एक जोग माया। बोलिए जोग माया क्या करती है, बोले कृष्ण की जितने सारे लीलाएं हैं, ये सारे लीला को पुष्टि करने वाले जोग माया। कहते कृष्णा वैसे प्रभुर नाही, लीला वैसे प्रभुर नाही, देहानुसंधान इच्छा जानी जोग माया करे समाधान।
कृष्ण तो अपना लीला आपकी आवेश में रहते हैं, लेकिन समस्त लीला को ये पुष्टि करने वाले जोगमाया, जोगमाया क्या करती है, कृष्ण की जो भगवता को ये संपूर्ण भुला देती है। अगर कृष्ण को हर समय याद रहे मैं कौन हूँ, मैं भगवान हूँ, फिर तो मैया जैसा कभी कन्हैया का कान मोल सकती है, हैं? कभी उसको डंडा दिखाकर भय दिखा सकती है? कृष्ण कभी बोल सकते हैं मैया मोरी मैं नहीं मां कायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं मां कायो। कृष्ण कभी बोल नहीं सकते इस बात को, हैं? कृष्ण कभी राधा जी के चरण में कभी गिरते हैं, गोपियों के चरण में कृष्ण कभी गिरते हैं, मैया जसोदा कृष्ण को उखल में बांध देती है। भगवान कोई बांध सकते हैं? जिसका बाहर नहीं, जिसका भीतर नहीं है, उनको थोड़ी दुनिया विश्व ब्रह्मांड में कोई बांध सकते हैं? लेकिन ये समस्त लीला को पुष्टि करने वाले कृष्ण की ये श्री योग माया। लेकिन कृष्ण की जो मधुर लीला है, मधुर लीला मतलब जैसे कृष्ण रासलीला करते हैं, कुंज लीला करते हैं कृष्ण, कहते इनकी जो मधुर जो श्रृंगार रस है, हैं, जो प्रिया प्रियतम के जो भाव, ये लीला को पुष्टि करने वाले कौन है? कहते श्री वृंदा देवी। इसलिए हमारे श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जो मंगलारती लिखे है ना, ये समस्त लीला को पुष्टि करने वाले कौन? कहते ये वृंदा देवी। हम गाते है ना, मंगल श्री गोरो गौर मंगल मुरारी मंगल श्री राधा कृष्ण जोगल प्रीति मंगल निशांत लीला मंगल उदय मंगल आरती जागे भगत हृदय। इसलिए ये जो उनकी निशांत लीला, अभी रात्रि खत्म हो गई, अभी सवेरे होने वाले, अभी प्रिया प्रियतम निकुंज में विश्राम कर रहे हैं, दोनों दोनों को हाँ आलिंगन करते हुए विश्राम कर रहे हैं। लेकिन अभी राधा रानी को जाना कहाँ पर, जावट में। जटला कुटला उठने से पहले राधा रानी जावट में चली जाना चाहती है, क्योंकि जटला कुटला को ये पता नहीं चले मेरे बहू और कहीं गई थी। अभी मैया जसोदा सोच रही है कृष्ण तो मेरे गोद में सो रहे हैं, लेकिन पता नहीं कृष्ण और कहीं सो रहे थे, हैं? अभी वह निकुंज में विश्राम कर रहे हैं। अभी कृष्ण को भी सबके सब लोग उठने पहले कृष्ण को भी नंदगांव में चले जाना है, लेकिन अभी दोनों कुंज में सो रहे हैं। अभी जो कुंज में सो रहे हैं मंजरियां सखियां, ये सबके सब क्या करती हैं, एकदम सवेरे सवेरे उठ करके कहती ये जो संसार है ना, जो जगत है, कहते भक्ति सिद्धांत श्री सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं मैंने संपूर्ण गोलोक वृंदावन की राधा रानी की जो निकुंज मंदिर है, और निकुंज मंदिर को मैंने ये मर्त्य जगत में ये गौड़ीय मठ रूप में मैंने प्रकटित किया है। जो कुछ गोलोक वृंदावन में निकुंज मंदिर में जो कुछ हो रही है, ये सब कुछ इसी जगत में ही प्रभुपाद बोले ये जगत में मैंने प्रकट कर लिया। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं ये जो संसार है, जो गौड़ीय मठ नहीं, कहते ये राधा रानी निकुंज महल है, यहाँ पर हम सबके सब ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर कोई बढ़िया ट्रेनिंग लेगा ना, उसको बढ़िया नौकरी मिलेगा। अगर यहीं पर अगर ट्रेनिंग में कोई फेल हो जाए, फिर तो वहां पर तुमको थोड़ी ज्यादा मिलेगा। इसलिए हमें यहाँ पर अच्छे तरह से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। क्या ट्रेनिंग लेनी चाहिए? जैसे राधा कृष्ण को जैसे जगाने के लिए, जैसे ब्रज की गोपियां मंजरिया क्या करती हैं, ब्रह्म मुहूर्त से पहले जग जाती हैं, जग करके स्नान करके तिलक लगाती हैं, तिलक लगाकर राधा कृष्ण को आरती करते हैं। इसलिए यहाँ पर भी प्रभुपाद ने यहाँ पर भी प्रकट कर दिया। इसलिए हम लोगों को कब उठनी चाहिए, ऐसे नहीं टीवी देखे 1-2 बजे तक और सवेरे 8-9 बजे तक उठे, भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर वो गोलोक वृंदावन में अगर सेवा को प्राप्त करना तो क्या करना पड़ेगा, हमको ब्रह्म मुहूर्त पहले उठना पड़ेगा। उठ करके नहा धो करके तिलक लगा करके गुरु मंत्र जप करते हुए क्या करना पड़ेगा, हमें ठाकुर जी की आरती में आना पड़ेगा। इसलिए जो कहते मंगल आरती दर्शन नहीं करते है ना, उसको कभी मंगल हो ही नहीं सकती है। इसलिए अपना घर में भी मंगल आरती को अपना घर में भी मंगल आरती करना पड़ेगा। इसलिए जितना वृंदा देवी
ये समस्त जो उनकी मधुर लीलाओं को जो पुष्टि करने वाले श्री ये वृंदावन देवी ही पुष्टि करती हैं, यही आदेश देती हैं पक्षियों को। क्या अभी प्रिया प्रियतम सो रहे हैं, इनको जगाओ। अभी उन्होंने पंख को खोल करके उन्हें धीरे 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 आवाज करती हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर गहरा नींद में सो रहा है ना, हठात नहीं जगानी चाहिए, उठो जल्द नहीं, उनको धीरे धीरे। जब फिर प्रियतम प्रभु उठने के लिए लेट करते हैं, फिर उन्होंने जो मुर्गा है ना, अब देखना सवेरे पहले को को को, अब देखना सवेरे बोलता है ना, इसलिए ये हर्षो दीर्घ प्लुतो स्वर में इनको आदेश देती है, तुम लोग आवाज करो। लेकिन इनके आवाज को सुन करके राधा रानी कहती है, कहा हम सुख निद्रा में शयन कर रहे हैं, तुम हमको जगा रहे हो, जा तुम जमपुरी में जा। इसलिए मुर्गा को क्या करते, सब काट कर खा लेते हैं। ये मुर्गा को काट कर राधा रानी की अभिशाप है, क्योंकि हमें जो सुख निद्रा में तुम व्याघात दे रहे हो। लेकिन तब भी जब ये उठने के लिए कोशिश करते हैं निद्रा को भंग करने के लिए, लेकिन तब भी जब फिर विश्राम करते हैं, राधा रानी का जो बंदरी कटखटी है उसको आदेश देते, तुम जोर जोर से आवाज करो। क्या बोले, जटिला जटिला कुटिला कुटिला। ये जटिला कुटिला कौन है, बोले राधा रानी की ननद और सास। आपको पता होगा ननद सास कितना तेज होती है। इसलिए जोग माया ने जान बुझ करके इनकी जो मिलन था आसानी से मिलन नहीं हो, क्योंकि जो जो चीज दुर्लभता में प्राप्त होता है वो चीज को हम महत्व देते हैं, जो चीज आसानी से मिल जाती है ना वो चीज को हम महत्व नहीं देते हैं। इसलिए अभी जगत में डाइवोर्स क्यों होता है, क्यों डाइवोर्स होता है, कारण यही है वो आसानी से मिलते हैं, लेकिन पहले सहज में ऐसे पति पत्नी नहीं मिलते थे। मिलना बड़ा कठिन, सास ससुर को सामने मिलना बड़ा कठिन हुआ करता था। इसलिए अभी इनको जगाने के लिए फिर ये कद जटिला जटिला कुटिला कुटिला, मतलब क्या, जटिला मतलब होता है किसी थोड़ी सी बात को जट पकाना, कुटिला मतलब होता है कुटकुट कुटकुट कटकुट करना। हर समय जैसे सांस नाना तो कुटकुट करते रहते ना, कहाँ गई थी, क्या हो रहा था, इतना देर क्यों हो गई है। जैसे उसी तरह ये जोग माया ने जान बुझ करके इनकी मिलनता की दुर्लभता हो, ये जोग माया ने इस सब चीज को उन्होंने प्रकट किया है। इतने में राधा रानी की जो बंदरी ये वृंदा देवी आदेश देती है, जोर जोर से बोलो जटिला जटिला कुटिला कुटिला, और इतना सुनते ही इतने में राधा कृष्ण की जो सुख जो निद्रा है वो भंग हो जाती है। भंग होने पर फिर समस्त मंजरी सखियां मिल करके ये वृंदा देवी की आदेश से ही राधा कृष्ण की आरती करते हैं। इसलिए ये श्री कृष्ण भावनामृत और गोविंद लीलामृत ग्रंथ से हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ये दोनों ग्रंथ से उन्होंने ले करके ये जो मंगल आरती को गाते हैं ना, क्या गाते हैं, मंगल श्री गुरु गौर मंगल मुरारी मंगल श्री राधा कृष्ण योगल प्रीति मंगल निशांत लीला मंगल उदाए मंगल आरती जागे भक्त हृदय को सोमित सरोवरे कमल हिलोला मंगल सौरभ भए पावन कलोला। यदि ये वृंदा देवी की आदेश से ही हैं, क्या होता है, सुंदर सुंदर कमल का फूल खिली जाती है, जुई बेली चमेली सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ रहता है, बड़ी भीनी भीनी मीठी मीठी हवा बहती है। अपूर्व ये वृंदा देवी राधा कृष्ण की मधुर लीला के लिए अपूर्व रूप में परिवेश को सृष्टि करने वाली यही वृंदा देवी, जब ये भजन को हम लोग गाते है ना, संपूर्ण रूप में उनका संपूर्ण लीलाओं को ये उद्दीपन होता है। ये सब के सब ये वृंदा देवी ये सारे काम को यही कराती हैं, जुगल का मिलन भी यही कराती हैं, श्री वृंदा देवी कराती हैं। वही वृंदा देवी ही कभी ये गोलोक वृंदावन से वृंदा देवी, लेकिन जीव की कल्याण करने के लिए वही वृंदा देवी इसी जगत में ये तुलसी वृक्ष रूप में प्रकट हुई है और हमको ये सेवा को प्रदान करती है। इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज
पूरा के पूरा जो अभी भजन गा रहे थे ना, हैं कौन सा भजन है? नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रयासी, नमो नमः ब्रज राधा कृष्ण नित्य सेवा यही अभिलाषी, नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रयासी, नमो नमः। ये पूरा मैंने ये तुम्हार शरण लय सही कृष्ण से बाबा है, जगत रे जत फूल कबू न है समतुल्य, जगत जितना फूल है लेकिन ये तुलसी मंजरी को द्वारा कृष्ण जितने खुश होते हैं, तुलसी अर्पण करने से कृष्ण जितने खुश होते हैं, जगत का किसी फूल को ये तुलसी को साथ में हम कभी उदाहरण नहीं दे सकते हैं। इसलिए पुराण में एक श्लोक आया कि जो तुलसी आठ तरह से जीव का कल्याण करता है, कितने तरह से? आठ तरह से। क्या क्या बोलो? स्पर्श करने से, दृष्टा स्पृष्टा तथा ध्याता कीर्तिता नमिता श्रुता रोपिता सेविता नित्यम पूजिता तुलसी शुभा। कभी आठ तरह से ये तुलसी हमारी वृंदा कभी कल्याण करते। दृष्टा, दृष्टा मतलब होता है जब तुलसी को केवल हम दर्शन कर ले, दर्शन कहते स्पर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाती है, केवल दर्शन मात्र से। दृष्टवा स्पिरिश्वा जब इसको स्पर्श करते हैं, जैसे गले में हम तुलसी कटी धारण किए रखे ना, बस ये हमारी स्पर्श कर रहा है, इसी से ही हमारी कल्याण करता है। पुराण में एक श्लोक में बताए जो व्यक्ति गले में तुलसी कटी धारण करते हुए स्नान करते हैं, उनका पानी सारा शरीर में जाता है, कहते पृथ्वी का जितने सारे नदियों में उसकी स्नान हो जाती है और शरीर का सारे पाप भी निकल जाती हैं। कोई एक मुसलमान था, वो कहीं हठात जा रहा था, हठात देखा कुछ तीन जमदूत को, देख करके तो डर कर भागने लग गए। जमदूत बोले भैया क्यों भाग रहे हो, भागना नहीं। बोले तुम लोगों को कौन हो? बोले जमदूत। बोले यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो? बोले हम लोगों को पता चल जाता है कौन कब मरने वाले हो। बोले भैया कोई मरने वाले क्या है? बोले हाँ, थोड़ी देरी बाद में एक किसान एक बैलगाड़ी लेकर यहीं पर आएगा। इतने में एक बैल ने रस्सी तोड़कर जब यहाँ से भागेगा, वो जो पकड़ने जाएगा, इतने में वो बैल उसको पेट में ऐसे मारेगा सींग से, पेट को फाड़ करके यहीं फेंक देगा, वो मरेगा। तो हम जमपुरी लेने के लिए आए। अभी वो मुसलमान वहीं पर खड़े हो गया देखने के लिए। सचमुच से देखा आया तो वो बैल ने ऐसे उसको मारा, उसको गिरा दिया, मारते पैर फाड़ कर गिर गया। लेकिन जहाँ गिरा है ना, वहां पर तुलसी की पौधा थी। अंतिम समय में केवल उसका शरीर तुलसी पौधा में स्पर्श होते ही वैकुंठ से विमान आया और उसने चतुर्भुज धारण करते हुए बैठे करके सीधा वैकुंठ लोक में गमन किया। और इतने में जो मुसलमान था उसको पूछा, तुम लोग तो जो बताए सही निकली, ले लास्ट जो सीन बड़ा अद्भुत था, ऐसे कैसे हो गया? बोले जिस समय उसको मार करके गिरा है ना, बल्कि तुलसी वृक्ष के स्पर्श हो गया, इसलिए सीधा वो वैकुंठ लोक चला गया। इतने तुलसी, वो मुसलमान हो करके उसने स्वयं गले में तुलसी की कंठी उसने धारण कर लिया। बोले इतने, इसलिए जब महाराज स्वयं कहते हैं, बोले ललाटे तिलकम नास्ति कंठे नास्ति त्रिकंठी का, इसलिए कहते भैया किसको किसको ले आओगे? बोले जिनकी गले में तुलसी कंठी, बोले उनको यहाँ लाना नहीं, जिनकी ऊर्ध्व पुंड धारण किए हुए उनको लाला नहीं। इसलिए गले में तुलसी कंठी होना, वो कभी नरक वो व्यक्ति नहीं जाएगा। इसलिए दृष्टवा स्पिरिश्वा तथा ध्याता, कहते तुलसी ध्यान से भी जीव का कल्याण करते। रोपिता बोले जो व्यक्ति तुलसी को रोपण करता है, बोले तुलसी रोपण नहीं करता है, अपना हृदय में कृष्ण भक्ति रूपी बीज को रोपण करता है। इसलिए घर में तुलसी वृक्ष लगाना ये बड़े महत्वपूर्ण है। इसलिए जिनकी घर में जितने सुंदर तुलसी वृक्ष हो उसको भक्ति उतना बढ़ती है। अगर तुलसी वृक्ष घर में नहीं हो ना भैया, उसकी भक्ति भी नहीं बढ़ती है। इसलिए तुलसी वृक्ष से पता चलती है, और तुलसी में जितने खुशबू आती ना, कभी कभी देखना तुलसी की, जिसको घर में तुलसी की बड़ी खुशबू, उसको भक्ति भी बड़ी विकसित होती है। इसलिए तुलसी की बड़ी महिमा। रोपिता सेविता, तुलसी में जो पानी दे परिष्कार करे है और उनका आरती उतारे, उनको परिक्रमा करे, ये तुलसी अनंत अनंत गुण रूप में ये तुलसी जी की कल्याण करने वाले तुलसी। यही तुलसी पता देख करके अद्वैत आचार्य जब उन्होंने देखा जगत का दुर्दशा, उन्होंने
बोले कैसे भगवान को जगत में मैं प्रकटित कर सकता हूँ। समस्त शास्त्र को उन्होंने ढूंढा, लेकिन जब एक श्लोक को देखा, तुलसी दल मात्रेण भगवान स्वयं कहते हैं, अगर एक तुलसी दल गंगा पानी दे करके अगर कोई भगवान को अर्पण करे तो भगवान के वैकुंठ हिल जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं, सुतिया अच्छन खीर समुद्र सागरे निद्रा भंग हैलमोर नाडार ओंकारे। उन्हें तुलसी पत्र गंगा जल देने पर भगवान स्वयं श्वेत दीप छोड़ करके श्री सच्चिदानंद श्री गौर हरि रूप में प्रकट हो गए। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की। यही तुलसी देवी जब हमारे सूर्य ग्रहण का समय पर जब वहां पर राधा रानी समस्त ब्रजवासी सब लोग आए हुए थे, इतने में नारद जी सत्यभामा रुक्मणि को बोले, देखो नियम है ये ब्रह्म हृदय में स्नान करने का बाद साधु संत को दान देनी चाहिए, लेकिन घटिया चीज दान नहीं, सबसे श्रेष्ठ चीज दान देनी चाहिए। अभी उन्होंने बोले क्या दान दे, बोले तुम्हारी सबसे प्यारा चीज क्या, बोले कृष्ण ही हमारे प्यारे हैं। बोले भैया फिर कृष्ण को दान दो। उन्होंने तो दान दे दिया, किसको, नारद जी को। नारद बोले तुमने कृष्ण को दान दे दिया, भाई हम तो संत हैं, अब इसको लंगोटी पहना करके तिलक और चोटी रख करके हम तो ले जा रहे हैं। बोले नहीं हम तो कृष्ण को छोड़ नहीं सकते। बोले दान दिया ना, अगर वापस लेना चाहते एक काम करो। बोले क्या, बोले इनकी बराबर तुम सोना दे करके इनको वापस ले सकते हो। अभी एक तरफ में कृष्ण को बैठाया और रुक्मिणी सारे पहले माताएं बहुत सारे सोना चांदी पहना करती थी, सारे सोना को उतार कर दूसरे तरफ पे रख दिया, कहां भगवान की बराबर हो सकता है। फिर इधर उधर जाके फिर सत्यभामा कालिंदी रुक्मिणी मित्र बिंदा सबके सब सारे सोना अलंकार उन्होंने एक तरफ में रख दिया, लेकिन कृष्ण को टस से मस भी नहीं हुआ। नारद जी बोले भैया फिर तो मैं अपना चेले को लेकर जा रहा हूँ। कृष्ण को लेकर के बोले नहीं, बोले क्या किया जाए, बोले राधा रानी की शरण में जाओ। जब उन्हें राधा जी की शरण में गई ना, तब राधा रानी बोले सबके सब उतार दो, एक तुलसी पत्ता ले आओ और उसमें एक कृष्ण नाम को आंखों का आंसुओं से कृष्ण नाम को लिख करके तराज का दूसरे तरफ में रख दो। जब दूसरे तरफ में रख दिया ना, कृष्ण तो हो गए हल्का और हल्का होकर ऊपर उठ गए और जो तुलसी दल हो गया नीचा है। बोले तुलसी महारानी की। मतलब है ये तुलसी में इतने शक्ति है जो भगवान से भी ज्यादा ऊंचा है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, भागवत तुलसी भक्त गंगा भक्त जने चतुर्था विग्रह कृष्ण यही चारी सने। भगवान की कलियुग में कहां कहां पर निवास है, बोले भागवत तुलसी गंगा और शुद्ध भक्तों का हृदय में ही भगवान की निवास है। इसलिए हम लोग श्री तुलसी यहाँ पर वृंदा देवी के शरण में आए। इसलिए हम लोग रोज रोज क्या बोलते हैं, भक्त्या बिना अपराध कृपा मई त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम। इसलिए वृंदा देवी की कृपा से ही जितने सारे अपराध दूर हो सकता है। और कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्य बताई नमो नमो नमो। रोज हम ये तुलसी की कीर्तन और तुलसी परिक्रमा करते हैं। कहते राधा रानी भी जो कृष्ण को प्राप्त की ना किसकी कृपा से, यद्यपि नरलीला कर रहे हैं, वृंदा देवी राधा रानी स्वयं वृंदा देवी को रोज पूजा सेवा करती है, रोज सेवा पूजा करती हैं। जो कृष्ण जो मिले ये वृंदा देवी की कृपा से ही, राधा रानी को कृष्ण भी वृंदा देवी की कृपा से मिले। मतलब इतने वृंदा देवी की महिमा है। इसलिए रोज रोज वृंदा देवी की सेवा पूजा करनी चाहिए। इनकी कृपा से ही भगवत भक्ति भगवान के चरण के प्रेम केवल इनकी कृपा से ही प्राप्त होती है। बोले श्री वृंदा महारानी की, बोले श्री तुलसी देवी की, जय जय श्री राम।